देखो इसके अंदर हमने शीट मेटल है ना, तो शीट मेटल ये है, तो बेस सबसे पहले बेस लेता हूँ। बेस तो हमें हमेशा बनाना ही पड़ेगा, और बेस के लिए यहाँ से जाके मैं लेता हूँ एक रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल ले लिया, और इसे फिनिश करते हैं। और थिकनेस कितनी होनी चाहिए शीट की, है ना, ये यहाँ पे दे रखी है शीट की, तो इसे मैं क्लिक करता हूँ और इसे ले लेते हैं। सपोज 3 लिया मैंने, और 3 कुछ ऐसा आ रहा है ना, आप कम ये आधा भी डाल सकते हो जैसा भी आपको लगे। तो मेरे को अभी ये 3 ठीक लग रहा है, ओके कर देते हैं। ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, डाउन एरो करके नॉर्मल आ रहा होगा कहीं पे। ठीक है, अब देखो ये कौन सा, ये लॉफ्टेड हुआ गया, हो गया लॉफ्टेड, एज फ्लेंज, और ये मीटर फ्लेंज हुआ। मीटर फ्लेंज क्या है, ये ना यूज़र डिफाइंड फ्लेंज है। तो हम क्या करते हैं, सामने वाला जो फेस है ये वाला, इस फेस को लेते हैं और ये ऑटोमेटिकली स्केच में आ जाएगा। और नॉर्मल व्यू करा, और फिर यहाँ से एक लाइन लेना, और यहाँ से जूम कर रहा हूँ, है ना। देखो दिख नहीं, मेरे को इसका ना एंड पॉइंट शो नहीं हो पा रहा है, तो कहीं भी क्लिक करता हूँ और एक लाइन बना दिया। और अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पिक किया और कंट्रोल के साथ लेते हैं इसे ऊपर वाले को, और कर देते हैं यहाँ से कॉन्सिडेंट। ठीक है, और ये जो है प्लेन, ये अभी दिख रहा है, तो मैं ये नहीं, ये वाला प्लेन, इसे कर देता हूँ हाइड। ठीक है ना, अब लेते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों को पिक कर लिया, कॉन्सिडेंट कर लीजिए, मैच होना चाहिए, है ना, ये ज़रूरी है कि मैच हो। अब यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, और एग्ज़िट करने के बाद ये इस टाइप से आ जाएगा, अपने आप ऐसा बन के आ जाएगा, जैसी शेप हमने बनाई होगी वैसी हो जाएगी। ठीक है, और इसे करते हैं यहाँ से फिनिश, मीटर फ्लेंज हो गया। ठीक है, एक बार और करके देखना चाहते हैं तो दोबारा से लेते हैं, यहाँ से लिया हमने ये रहा मीटर फ्लेंज, और इस वाले फेस पे क्लिक किया और नॉर्मल कर देना ताकि सीधा हो जाए। फिर मैंने लिया इसके टॉप वाले से क्लिक किया, अब यह दिख रहा है क्योंकि प्लेन नहीं है तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है इस बार, और फिर ऊपर की तरफ चला गया और ऐसा लिया, और करते हैं यहाँ से फिनिश। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली टच होना चाहिए, उसके बाद जो भी शेप बनेगी वो शेप आपकी आ जाएगी, और कर दीजिए इसे ओके। अभी यहाँ पे जो रेडियस आ रही है ना, वो ये ले रहा है 0.7 कुछ ऐसी है ना डिफ़ॉल्ट, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। मैंने 3 की थिकनेस ली थी, तो 3 का डबल 6, 6 सबसे सुटेबल वैल्यू है इसके रेडियस के लिए, शीट के लिए। ठीक है ना, तो डबल करके ले लीजिएगा तो स्मूथ आ जाएगा एकदम। ठीक है, इसमें रेडियस कम आ रही है, इसके अंदर 6 आ रही है, जो कि इसके लिए प्रॉपरली है बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा मीटर फ्लेंच। ठीक है, अगला एक और बता दूँ, इसके अंदर हेम हो गया, जोग, जोग नहीं हुआ। जोग जो है ये काफ़ी आसान है, बैंड की तरह ही है। जोग क्या करेगा, इसे ऊपर नीचे कर देगा, तो या तो डायरेक्टली जोग ले लो या स्केच बना लो। तो हम पहले जोग ले लेते हैं, कौन से फेस पे, इस वाले फेस पे, और नॉर्मल जरूर करिए ताकि हमें प्रॉपरली शो हो जाए। और एक लाइन लेंगे जिस लाइन के अबाउट इसे जोग करना चाहते हो, जोग मतलब ऊपर नीचे करना चाहते हो, जिगजैग करना चाहते हो उसके लिए, और फिनिश किया। लाइन छोटी नहीं रहनी चाहिए, बड़ी होगी चल जाएगी, लेकिन छोटी नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ, तो आपको लगेगा क्या करें अब, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये कह रहा है फिक्स फेस, कौन सा फिक्स रहना चाहिए, कौन सा ऊपर नीचे जाना चाहिए, बताओ। इधर का फिक्स रखना चाहते हो कि इधर का, इस लाइन के इधर या इधर, किस टाइप का आप फेस रखना चाहते हो। तो मैं ले लेता हूँ, माना ये फिक्स कर दिया, कोई सा भी ले सकते हो आप। इतना आ गया ऊपर, कितनी हाइट होनी चाहिए, और हाइट यहाँ से ले लो, हाइट बढ़ती जाएगी जितनी भी आपको चाहिए। रिवर्स करना चाहते हो तो यहाँ से ब्लाइंड को फ्लिप कर दो, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, और रेडियस फिर बाय डिफॉल्ट आ रही है, इसको 6 कर देता हूँ, यहाँ पे स्मूथ हो गया ये रहा, ओके कर दें, ओके हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार फिर से जोग लेंगे, जोग लेके कौन से फेस पे चाहिए, फेस पे क्लिक किया, नॉर्मल कर देते हैं, अब फिर लाइन ले लेता हूँ मैं। लाइन बड़ी हो कोई बात नहीं, छोटी नहीं होनी चाहिए। और कौन सी साइड फिक्स रखनी है, इस बार मैं इधर का फिक्स कर देता हूँ, और ये ऊपर आ गया, फ्लिप कर देंगे नीचे की साइड चला जाएगा, और ओके। ठीक है, ये स्टेप से मेरा बन के आ गया, यहाँ से शेडिंग आता ही है, बाकी ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया जोग, ये बताऊँ, ठीक है,
इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसे अंडू या डिलीट, तो मैं कर देता हूँ इसे डिलीट। इन चारों को पकड़ के कर दीजिए डिलीट, ठीक है। और ये स्केच आ रहे हैं, स्केचेस इन्हें भी आप डिलीट कर दो और दोबारा से बना लेंगे जैसे भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब क्या आ रहा है, ये स्केच बैंड, जैसा भी आप स्केच करेंगे उस हिसाब से बैंड आएगा। तो एज, एक एज फ्लेंज मैंने ऐसे ही ले ली है ना, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप ले लो। अब यहाँ से लेते हैं स्केच बैंड और फेस पे क्लिक किया और नॉर्मल जैसा जोग में किया था सेम वैसा ही करना है। लाइन होनी चाहिए और मैंने इस बार तिरछी लाइन बना दी, थोड़ी सी ये एंगल पे हो गई है, और घुमा दी के देखिए बिल्कुल सेम मेथड है, कुछ भी अलग नहीं, बस बैंड की फिक्स क्या रहा है किधर की तरफ है, ये वाला बैंड की पैरामीटर में यहाँ से जाइए जो फिक्स रखना चाहता है, आ गया फिक्स फेस, ये फिक्स रखना चाहता हूँ, ये फिक्स हो जाएगा और ये बैंड हो गया। कितने का एंगल है, 90 का एंगल है, बैंड हो गया। डिफॉल्ट रेडियस मैंने चेंज कर दी 6 कर दी। अब एंगल को अगर चेंज करना चाहते हो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं आप इसे यहाँ से फ्लिप करके नीचे की तरफ ले सकते हैं, नीचे की तरफ हो जाएगा। और कुछ एंगल चेंज करना चाहते हो यहाँ से तो एंगल चेंज भी कर सकते हो, और ओके ठीक है जी। एक बार फिर से देखें, फिर से हमने यहाँ से क्या स्केच बैंड, नाम से ही पता चला स्केच जो करेंगे उस स्केच के सबसे बैंड होगा। फेस कौन सा, ये वाला फेस लिया और नॉर्मल कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। और फिर एक लाइन लेते हैं और लाइन मैंने एक और ऐसी ली है ना, इसके अंदर नहीं लेके जा सकता मैं क्योंकि बैंड हो रहा है, ये ऑलरेडी एक फ्लैंज है, वो फ्लैंज से मुड़ने ही नहीं देगी, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे आ गए और इस बार ये कह रहा है बैंड में कौन सा फिक्स रखना है, इधर का फिक्स रख लेते हैं, ये वाला बैंड हो जाएगा, ये कुछ ऐसा आ रहा है, या फिर इसे फ्लिप कर देते हैं नीचे की तरफ बैंड हो जाएगा, ठीक है जी। और रेडियस वही हटाना चाहते हो तो हटा दीजिए, अब जो रखना चाहते हो वो ले लेंगे और कर ओके। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा बैंड की हेल्प से, ठीक है। बहुत है और बताऊँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इतना करके देखिए।